हेलो फ्रेंड, आज मेरे पास क्या है कि मैं जब डबल टेकर कर रहा था तो अचानक यहाँ से एक बॉल डैमेज हो गया। तो बॉल डैमेज होने से क्या है कि जो एन सी बॉल होती है, आप देख सकते हो इसमें कि मैं बता दूं आपको कि एन सी बॉल यानी कि यदि कोई एन सी बॉल कितनी सारी बॉल हैं जो एन सी बॉल है, यानी कि यहाँ से देख लो आप, ये सारी की सारी एन सी बॉल है, यहाँ पे एन सी बॉल है, तो उससे हमारे बोर्ड में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप यहाँ एक बॉल देखोगे तो यहाँ से एक बॉल है जो मेरी सीपीयू से, यानी कि सीपीयू से एमएमसी है और सीपीयू, उन दोनों का कनेक्शन था और वो बॉल डैमेज हो गई। तो उस बॉल को अब हम वापस रिपेयर करेंगे, यानी कि बॉल बॉल को बनाना, बॉल को जब हम जलेबी बनाते हैं या फिर गोल बॉल को बनाते हैं वायर से, तो वो इतनी बॉल आसानी से नहीं बन पाती हैं। तो उसके लिए हमें एक अच्छे अच्छे ट्रिक आजमाने होते हैं और वो ट्रिक मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूँ कि आप यदि कोई भी काम करते हो और उस टाइम यदि आपका कोई भी बॉल डैमेज हो जाता है तो उस बॉल को आप एक इजी ट्रिक से बना सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास अभी एक ये सैमसंग का J2 का फ़ोन पड़ा है, यानी इसको इसकी मैंने MMC और CPU को उतार रखा है और इनकी जो बॉल होती है उनको मैं कटर की मदद से, यानी जो ये 11 नंबर वाला ब्लेड और कटर होता है उसकी मदद से हम उसको इजली थोड़े साफ करके फिर उसको इजली हम साफ करके फिर उस बॉल को निकाल लेते हैं और उस बॉल को यहाँ फिक्स कर देते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ टूल की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास एक ये यूवी पेस्ट होती है, यानी कि PCB का जो ये कलर दिख रहा है, इस कलर की अलग अलग ये यूवी पेस्ट हमें मार्केट में देखने को मिलती है। उस पेस्ट से हमें क्या करते हैं कि इस पेस्ट ये लगाने के बाद उस पेस्ट को हम वहाँ कर देते हैं तो वो वॉल वैसी की वैसी बन के तैयार हो जाती है। तो उसके लिए हमें एक और भी टूल का ज़रूरत पड़ेगा, वो टूल है हमारा यूवी लैब, यानी उस लैब का भी लाइट का भी ज़रूरत पड़ेगा। यदि ये लाइट हमारे पास नहीं है तो भी हमारा काम नहीं बनेगा और इस लाइट की मदद से हम उसको इजली ही बना सकते हैं। यानी कि आप यदि इस कलर का यदि कोई आपके पास बल्ब है, यानी कि वो उसे भी आप इजली काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई जुगाड़ बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये मेरी लाइट है, तो इस तरह से इसको यहाँ पेस्ट करना होता है, यूवी पेस्ट को यहाँ पेस्ट करेंगे बॉल के ऊपर और फिर इसको ऐसा इस तरीके से हम इसको फिक्स कर देंगे कुछ देर के लिए, यानी कि 5-10 मिनट के लिए। बाद में वैसे कि वैसी बॉल बन के हमारी तैयार हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं बड़ा वीडियो बना के डालूंगा कि कैसे यूवी लैब को करना होता है, कैसे है इसको पेस्ट को लगाना। तो आप भी इस तरीके से जुगाड़ भी कर सकते हो, इस कलर की लाइट होनी ज़रूरी है, ये एक लाइट का ही पूरा कमाल होता है। थैंक यू, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।